नेक्स्ट एंड लास्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टोर ऑपरेशन इज़ पर्सनैल तो अब हम डिस्टेल से इसको डिस्कस करते हैं कि पर्सनैल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या रोल है इन मेंटेनिंग दी बेसिक स्टोर ऑपरेशंस क्या काम है पर्सनैल का द रिटेलर हैज़ टू इंश्योर मेक श्योर के कस्टमर को एक वेल well ट्रेंड एक वेल प्रोफेशनल स्टाफ मीट हो उसको मिले जब कस्टमर आए फ्लोर so, के ऊपर जब कस्टमर आए स्टोर में सो एज द कस्टमर एंटर्स इनटू द स्टोर जिस शख्स से कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से उसकी मुलाकात हो वो एक वेल ट्रेन्ड, वेल बिहेव्ड, ग्रूम्ड प्रोफेशनल स्टाफ हो ताकि कस्टमर को जो फेस है आपका एक्चुअली जो स्टाफ है दैट इज़ द फेस ऑफ द रिटेल स्टोर तो कस्टमर ने उसी से समझना है कि ये एक रिटेलर अच्छा है ये एक रिटेलर बुरा है ये हाउ ही ट्रीट्स पीपल हाउ ही ट्री सी स्टाफ ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है रिटेलर के लिए और कस्टमर उसको उसी तरीके से इवेल्यूएट करता है सो वट रिटेलर हैज़ टू टू इंश्योर दे हैव मेक श्योर दैट कस्टमर मीट्स प्रोफेशनल एंड एंड वेल स्टाफ द रिटेलर कोर वैल्यू शुड से लाइक दिस दैट आवर इम्प्लॉयज आर एक्चुअली आवर मेन एसेट्स और ये कैसे मुमकिन होगा वेन दे विल रिस्पेक्ट देयर इंप्लॉयीज एंड दे विल मोटिवेट देयर इंप्लॉइज सो रिटेलर हैज़ टू इंश्योर कि वो मोटिवेट करे अपने एम्प्लॉयज़ को दे हैव ऑल्सो इंश्योर अप्रोप्रिएट स्टाफ इज अवेलेबल ऑन द फ्लोर स्टोर के अंदर स्पेशली पीक आवर्स के अंदर मुनासिब तरीके से एक रीज़नेबल स्टाफ मौजूद हो जो कि कस्टमर की क्वेरीज को एड्रेस कर सकता हो फिर जो उसका स्टाफ का अपीयरेंस है प्रोफेशनल अपीयरेंस हो यूनिफॉर्म हैज टू बी क्लीन जो ड्रेस कोड हैज टू बी रिस्पेक्टली फॉलोड तो उसको इंश्योर करना है कि आपका इमेज एज ए रिटेलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो एंड देन वो जो पर्सनैल है ही हैज़ टू हैव द हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज नॉर्मली कस्टमर जब भी आएगा वो प्रोडक्ट से बारे में कुछ नॉलेज लेकर आएगा कुछ कस्टमर ऐसा होगा जो बिल्कुल भी नॉलेज लेकर नहीं आएगा सो so, आपका स्टाफ रिटेलर का स्टाफ हैज़ टू हैव हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज ताकि वो इक्विप कर सके अपने कस्टमर को और फिर लास्ट में कम्युनिकेट करें प्रिंसिपल्स एंड गोल्स कॉन्स्टेंटली यू हैव टू इंश्योर के वट आर द प्रिपल्स वट आर द गोल्स अगर ये होता रहेगा तो एक पर्सनैल उसको रिलीजियसली अपने ऊपर अप्लाई करेगा नॉर्मली जब हम बात करते हैं पर्सनैल के परस्पेक्टिव में तो कस्टमर इन्फो पॉइंट्स कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे टच पॉइंट्स हैं जहाँ पर कस्टमर इंटरेक्ट करता है आपके स्टाफ के साथ तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल इंफॉर्मेशन काउंटर है फॉर एग्जाम्पल वो आपका वारंटी uh, काउंटर है फॉर एग्जांपल वो आपका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन काउंटर है तो ये वो तो बेसिक पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल कैशियर है ये वो लो जग पॉइंट्स हैं जहां पर कस्टमर इंटरेक्ट करता है आपके स्टाफ के साथ तो आपको क्या करना है नॉर्मली यू हैव टू गिव आवर कस्टमर टेक्निकल इंफॉर्मेशन यू हैव टू सर्व योर कस्टमर वेन द स्टॉक इज बीन प्रोटेक्टेड बाय द ग्लास विंडो फॉर एग्जाम्पल आप अक्सर स्टोर में विजिट करते हैं तो आप देखते हैं कि मोबाइल्स को या ब्लड से पावर बैंक्स को उन्होंने किसी ग्लास के अंदर रखा हुआ है किसी विंडो के अंदर रखा हुआ है ताकि उसको सिक्योर कर सकें उसको प्रोटेक्ट कर सकें तो कस्टमर का अगर उसके बारे में कुछ जानना चाहता है तो यू देर हैज़ टू बी अ पर्सन जो कि उसको अटेंड कर सके और उसके बारे में गाइड कर सके आपको इंश्योर करना है कि हर वक्त स्टाफ मौजूद हो एज ए रिटेलर आपको इंश्योर करना है कि जितने भी सेंसिबल आर्टिकल्स हैं वो कस्टमर के जो डेस्क है जो इंफॉर्मेशन डेस्क है रिप्रेजेंटेटिव का उसके पास हो इन्फॉर्मेशन काउंटर के पास हो ताकि कस्टमर ईजीली उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके फिर डू नॉट यूज़ कस्टमर इन्फो पॉइंट्स फॉर डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स वहाँ पर आपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करना ये क्वेश्चन है आपको जो इन्फॉर्मेशन काउंटर है उसको सेल्स काउंटर ना बनाएं बिकॉज द कस्टमर वहाँ पर आएगा आपसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में जो आप उसको देना चाह रहे हैं या जो वो लेने में इंटरेस्टेड है एंड द ओनली थिंग विच कैन मेक चेंज इज़ एक्चुअली योर रिसोर्स इज एक्चुअली योर पर्सनैल इज एक्चुअली योर स्टाफ जिसने वहाँ पर मेक और ब्रेक करना है हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि इस टॉपिक के ऊपर लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लायंस कैटेगरी के अंदर जाते हैं मीडिया कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो आपको नजर आएंगे बहुत सारे कस्टमर इन्फो पॉइंट्स स्टोर्स के अंदर आपको सॉफ्ट ड्रिंक काउंटर के ऊपर भी हो सकता है नज़र आए आपको किसी सेंसिटिव प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर भी मुमकिन है कि काउंटर्स नजर आए तो इस तरह के केसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर कस्टमर प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फो पूछ सकता है कोर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इन द कंट्री किस तरह की प्रोडक्ट की नेचर है किस तरह का कस्टमर का प्रोफाइल है कस्टमर कितना एजुकेटेड है और किस प्रोडक्ट के बारे में वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है अगर तो वो लट से कैमरा है अगर वो लेट से बुक्स हैं या वो डीवीडीज हैं या वो मोबाइल्स हैं या वो इसके अलावा कोई और ऐसी प्रोडक्ट है जो उसके बारे में वो ज़्यादा जानना चाह रहा है तो यू हैव टू क्रिएट कस्टमर इन्फो पॉइंट्स ताकि कस्टमर आपके स्टाफ के साथ कनेक्ट करके अपने पास जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सके सो so, ये जो हमने पॉइंट पढ़ा रिलेटेड टू पर्सनल आपके लोग एक्चुअली वो डिफरेंस हैं आपके और आपके कंपेटिटर के दरमियान एज ए रिटेलर आपकी प्रोडक्ट्स कैन बी सेम एज ऑफ योर कॉम्पिटिशन आपकी सर्विसेज कैन बी सेम एज ऑफ योर कॉम्पिटिशन लेकिन जो लोग आपके पास हैं जो स्टाफ आपके पास है जो पर्सनैल आपके हैं दे आर नॉट द सेम सो दे कैन रियली मेक द डिफरेंस तो एक रिटेलर के पास ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेसिक ऑपरेशंस का कि ही हैज टू इंश्योर कि उसके लोग उसके मेन एसेट्स हैं उसके लोग कंप्लाई कर रहे हैं उसके विजन के साथ अलाइंड हैं जो ऑब्जेक्टिव्स उस रिटेलर के हैं जो गोल्स उसने तो सेट किए हुए हैं वो उस गोल्स में उस रिटेलर के ही रूल्स को अलाइन को ऑब्जेक्टिव को वो फॉलो कर रहे हैं सो so, आपको एज ए रिटेलर ये इंश्योर करना कि मेरे पास जो राइट right लोग हों उनके पास राइट right इन्फॉर्मेशन हो ताकि कस्टमर को एक अच्छी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन जाए और वो कन्वर्ट हो सके फ्रॉम अ प्रोस्पेक्ट टू एक्चुअली a customer